आपका नाम परिचय बताएं। श्री नरेंद्र साहू। कौन गांव से? रसोड़ा। अच्छा, अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार बनते दिखाई दे रहे हैं आप? सरकार बीजेपी का आएगा अभी। अच्छा, बीजेपी का आएगा। हाँ। तो कांग्रेस के कार्यकाल में कितना विकास हुआ? कांग्रेस कार्यकाल में विकास बोलने से हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अच्छा। कम हुआ है, हुआ है, नहीं हुआ है वाला बात नहीं है, कम हुआ है। लेकिन तो अब कांग्रेस के कार्यकाल से खुश है कि नहीं? जो विकास हुआ है उनसे, उन कार्यों से, जैसे गोठान है, समर्थन मूल्य में धान का हुआ। नहीं, ये तो है, तो इसमें तो कितना केंद्र सरकार का आ रहा है, लेकिन आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ? आप तो पूर्व सरपंच भी हैं, ऐसे बताएं। नहीं नहीं, मैं पूर्व सरपंच मैं नहीं हूँ। हाँ। बड़े भैया थे जी, पूर्व सरपंच बड़े भैया हैं। अच्छा जी। हाँ। तो आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ? हमारे गांव में ऐसे विकास बोलना स्वाभाविक तो ऐसा कोई कुछ काम नया भवन नहीं, नहीं वो तो पुराना हो चुका था जब बीजेपी सरकार था। नया कार्यकाल ग्राम पंचायत में ऐसे कोई नया काम नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ है। हम लोग विधानसभा की बात करें, कौन कौन लोग जनसंपर्क में है? जनसंपर्क में बोलने से यहाँ वैसा यहाँ कोई पार्टी से तो नहीं, यहाँ संपत अग्रवाल का ज़्यादा है। अच्छा। और ऐसा तो जनसंपर्क में कोई अभी ऐसा नहीं आ रहे हैं। संपत अग्रवाल ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ। जलाजा साहब का क्या माहौल है, क्या चल रहा है, वो गांव आते हैं कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। तो संपत अग्रवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, क्या उनको टिकट मिलेगी? उस बात को तो हम लोग नहीं बोल सकते, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, हम लोग क्या, हम लोग तो आम जनता हैं, क्या राजनीति में वो लोग हैं, आप क्या कैसे। हाँ हाँ। और उनके अलावा और कोई किसी का नाम दिखता है थोड़ा साइड में? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बीजेपी क्या है, बहुत काम कर चुका है अभी, जो मतलब किसानों के लिए कर रहा है, जो गरीबों के लिए कर रहा है, जैसे है ये सब क्या बोलते हैं आपका आवास, इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री आवास। और ये किसानों के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है, इस हिसाब से मतलब बीजेपी बीजेपी मतलब हर जनता बीजेपी के नाम चल रहा है बीजेपी वालों का। कांग्रेस सरकार भी कह रही है कि किसानों को हम 2800 का प्रति क्विंटल धान का देंगे, ऐसा वादा कर देंगे तो बोल रहे हैं, लेकिन जब जीतेगी अब क्या होगा कौन बोल सकता है उसको, वो तो पीछे की बात है। हालांकि पिछला जो बोला था कांग्रेस सरकार उसको पूरा किया है, नहीं किया है, जितना बोला था वो सब पूरा करते गया है, लेकिन जीतने के बाद उसके पहले रमन सिंह बोले थे वैसे बोनस वोनस सब बोले थे, कहाँ मिला नहीं मिला किसी किसान को, सब धोखा हो गया, इसीलिए तो पिछला यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन हो गया पिछला जो उसी के किसान बीजेपी तो धोखा कर पाएंगे जब बीजेपी दो बार धोखा कर। ऐसा तो सुन रहे हैं हम इधर उधर घूमते हैं तो जो किसानों के मुँह से, हालांकि बीजेपी वो भी मोदी के नाम से ज़्यादा है नहीं, यहाँ तो इनको विश्वास नहीं, मोदी के नाम से विश्वास कर रहे हैं ज़्यादा। केंद्र सरकार की जो मोदी जी हैं। हाँ हाँ, उसी के हिसाब से प्रभावित है। हाँ। तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें मोदी का चेहरा काम आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी का चेहरा कैसे काम नहीं आएगा भाई, वो तो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपति साहू है, मैं ग्राम जीरा डबरी का निवासी हूँ। तो बताइए आपके गाँव में कितना विकास होगा कांग्रेस कार्यकाल में? जो हुआ है खाली किसानों के लिए हुआ है और बाकी कोई कार्य नहीं हुआ है, जैसे वो सड़क पुल पुलिया तालाब कुछ ऐसे कार्य ज़्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, जमीनी विकास नहीं दिखाई देता है आपको? जमीनी विकास नहीं हुआ है। किसकी सरकार बनते दिखाई दे रही है आपको, क्या लगता है? क्योंकि आने वाले दिनों विधानसभा चुनाव है, चुनाव आने पर वो पता चलेगा। अच्छा, तो हम लोग बसना विधानसभा चुनाव की बात करें, कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में है? अभी संपत अग्रवाल जी का जनसंपर्क चल रहा है। अच्छा, बीजेपी से? बीजेपी से, अब किस पार्टी से आएंगे वो तो उनका चल रहा है ज़्यादा। आपका राय क्या है, क्या उनको टिकट मिलना चाहिए और क्या वो जीत दिलाएंगे अगर टिकट मिलेंगे तो? उनके जनसंपर्क के हिसाब से तो मिलना चाहिए। अच्छा, अभी कांग्रेस से विधायक जी हैं अपना राजा जी, उनका क्या हाल चाल है? वो तो कभी आए नहीं है, एक बार भी ना हम लोग देखे नहीं है चुनाव होने के बाद,
अब जो गवर्नमेंट से कार्य हो रहा है वो हो रहा है, विधायक के थ्रू से कुछ ऐसा कार्य नहीं दिख रहा है। विधायक का जो कुछ काम है ऐसे आपके गांव तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा अभी बताएंगे अभी किसकी सरकार बनते दिखाई दे रहे, क्योंकि आपके पास तो दिन में सैकड़ों लोग आते हैं, क्या माहौल चल रहा है इधर? क्या माहौल चलेगा जी, दिन भर में तो कांग्रेसी भी आते हैं, बीजेपी भी आते हैं, ऐसे आम आदमी सब आ रहे हैं, सभी किस्म के आदमी आते हैं। फिर भी आपका क्या राय है, क्या लगता है आप लोगों को? मेरा तो मेरा पर्सनली कोई ऐसा राय नहीं है, वो समय आएगा तो बताएंगे। अच्छा फिर भी अभी कांग्रेस का कार्यकाल रहा छत्तीसगढ़ में, कितना विकास हुआ? विकास बोलने तो वही जो छूट उठ किए हैं बस वही। अच्छा कर्जा माफ और समर्थन मूल्य, हाँ बस। तो आप किसान भी हैं? बिल्कुल। तो किसान है इसमें तो आपको छत्तीसगढ़ सरकार से बहुत फायदा मिला होगा। मिला है, जो वही मिला है जिसको सबको मिला है वही मिला है। केंद्र सरकार की क्या क्या योजना मतलब पहुँच रही है? केंद्र सरकार की योजना हमारे गांव में नहीं है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास हो गया, वो तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और ये पानी टंकी वगैरह ऐसे बन रहा है। बसना विधानसभा की बात करें हम लोग, कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क? कोई नहीं है अभी। अच्छा, अभी तो कोई नहीं आ रहा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कोई नहीं आ रहा है तो किसको देखेंगे बताइए। भैया नाम परिचय? अनिमेश साहू, रसोड़ा का हूँ मैं। अच्छा अभी पिछले 4 सालों से कांग्रेस का कार्यकाल था, गांव में कितना विकास हुआ? कांग्रेस का काम किसानों के लिए बहुत किया है। अच्छा किसानों के लिए किया है काम? हाँ किसानों के लिए बहुत किया है। अच्छा, जमीनी विकास की बात करें जैसे कि रोड है, भवन है, इस फील्ड में थोड़ा कम है। अच्छा इन चीज़ों में कम है थोड़ा। तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में इसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है आपको? सरकार बोल रहे हो तो पूरे राज्य में तो हाँ, कांग्रेस की। अच्छा कांग्रेस की सरकार आएगी? हाँ तो उसमें श्योर है। अच्छा हम लोग बसना विधानसभा की बात करें तो कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में? बसना में तो संपत अग्रवाल बहुत मेहनत कर रहे हैं जरा 4-5 साल से। जी किनका नाम लिया आप? संपत अग्रवाल जी का नाम। हाँ 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 वो फुल मेहनत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ये तो बीजेपी सक्रिय का नाम दिखाई देता है संपत अग्रवाल के, बीजेपी से अब चुनाव आयोग निकलेंगे, अभी तो कोई निकला नहीं है जी। एक बात और बताइए, कांग्रेस से कौन कौन आपको दिखाई दे रहे हैं नेता लोग जनसंपर्क में? जनसंपर्क में हाँ कांग्रेस से बोल रहे हैं। कांग्रेस से अभी आएंगे, अभी आए नहीं है संपर्क में। हाँ वो बाद में आते हैं चुनाव। विधायक जी का क्या हाल चाल है अपना, राजा जी साहब क्या गांव तरफ आते हैं? नहीं नहीं मैं तो देखा नहीं हूँ। अच्छा नहीं, हाँ आते होंगे कहीं कहीं, इस तरफ नहीं देखा हूँ मैं। बाकी भूपेश सरकार का अच्छा है। अच्छा तो अभी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो किन मुद्दों का होगा? विधानसभा पूरा राज्य में, हाँ राज्य में कौन सा मुद्दा मतलब प्रभावित करेंगे लोग उन मुद्दों पर ज़्यादा सरकार करेंगे पार्टी का? वो कांग्रेस का तो वही किसानों का अच्छा पकड़ है उसका। 2820 आज समर्थन में 20 क्विंटल का खरीद रहा है, एक तरफा जा रहा है। हाँ अब विधानसभा भाई बोले तो ये संपत अग्रवाल थोड़ा मेहनत कर रहा है तो इसका है, टिकट उकट देते हैं क्या करते हैं। रंजन कुमार भोई, रसोड़ा। अभी रसोड़ा से? हाँ जी। कितना विकास हुआ है आपके गांव में? हाँ विकास हुआ है, किसानों का कर्जा माफ किया, अब चल रहा है वैसे। अच्छा बस मतलब किसान लोग खुश हैं कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल खुश हैं। तभी किसकी सरकार बनते दिखाई दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बघेल सरकार। सब बघेल सरकार तो बनेगा फिर से। तो अगर हम बसना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जो जनसंपर्क कर रहे हैं, बसना का क्या हाल है? डॉक्टर संपत अग्रवाल। विधायक के कार्य कामकाज से क्या स्थानीय लोग संतुष्ट नहीं हैं? सब संतुष्ट हैं, वो कर्जा माफ करेगा, बिजली साफ करेगा। विधायक से क्या संदेश, विधायक को तो कौन जानते नहीं है बसना विधानसभा वाली। दुर्भाग्य है बसना विधानसभा का कि अब तक बसना विधानसभा का आदमी विधायक नहीं बना है, दूसरे विधानसभा ला के थोप देते हैं बसना में। अच्छा तो आप स्थानीय व्यक्तियों को मतलब विधायक बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का हो। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल से आप खुश हैं, आप कैसे भी कहना है? बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकाल से खुश हैं, अभी विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें संपत अग्रवाल इसमें जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या नाम है दादा? बेनी प्रसाद। हाँ तो अभी पिछले 4 सालों तक कांग्रेस का कार्यकाल था छत्तीसगढ़ में। हाँ आप किसान भी शायद। हाँ क्या लगता है किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? कांग्रेस की। हाँ मतलब किसान वर्ग कांग्रेस से खुश है। अच्छा तो मतलब गांव में कितना विकास हुआ है कांग्रेस के कार्यकाल?
सब विकास हो रहा है। अच्छा, विकास भी हो रहा है। हाँ, जब हम बसना विधानसभा की बात करें, हाँ, नेता लोग कौन कौन जनसंपर्क है? सभी हैं, ठीक हैं जी। जैसे किन्हीं का नाम सुनाई देता हूँ तो बस पता ही है, संपत अग्रवाल। अच्छा, संपत अग्रवाल। हाँ, और कौन कौन? और नहीं, और बाकी नहीं पाएंगे, मतलब बाकी लोग और नहीं है जनसंपर्क? नहीं। तो क्या बीजेपी से उनको टिकट मिल रहा है? बीजेपी पाए या कांग्रेस पाए, वही पाएगा। अच्छा, मतलब संपत अग्रवाल जीतेंगे ऐसे लग कर रहे हैं आप? हाँ। हम परिचय बताएंगे। मेरा नाम लखपति प्रधान, रिटायर व्याख्याता हूँ। अच्छा, हम लोग अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है, हाँ, उससे लेकर कुछ सवाल पूछेंगे। हाँ, पूछो ना भाई। क्या लगता है आपको, मतलब कांग्रेस सरकार में कितना विकास हुआ अभी चार सालों पिछले? हमारे गांव में तो एक भी जीरो पॉइंट भी नहीं बना। अच्छा, आप कौन सा गांव से हैं आप? मैं ग्राम सीतापुर का। जी जी, आपके गांव में विकास नहीं हुआ है? कुछ 0% भी नहीं हुआ। अभी देखोगे तो सबसे पिछड़ा हुआ गाँव बोलने से सीतापुर है, पिथौरा ब्लॉक में। अच्छा जी। हाँ, तो अभी किसकी सरकार बनते दिखाई दे रही है भाई? हम तो सब किसकी सरकार माने किस में, विधानसभा में? तो राज्य में और विधानसभा दोनों की बात देखिए। तो हमारे विधानसभा में कोई भी स्थिति ठीक नहीं है। हमारे महेंद्र बहादुर, देवेंद्र बहादुर जी हैं, सीतापुर दर्शन नहीं हुआ आज तक। अच्छा जी। मतलब विधायक बनने के बाद अभी तक नहीं आए हैं इस कार्य? दर्शन सीतापुर कहाँ पर पता होगा कि नहीं पता नहीं उनको। आप अभी भी देख लीजिए जो बुरी स्थिति है सीतापुर की, न रोड की स्थिति है, रोड भी जैसा साला कीचड़ से जा रहे हैं, न डामरीकरण रोड है, न कुछ नहीं है बिल्कुल। देखोगे तो गांव में आप देखोगे तो कुछ नहीं पाओगे। जो मतलब जमीनी विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं, 0% बोलने से। मतलब ये जो विकास नहीं हुआ है इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, राज्य सरकार को कि स्थानीय विधायक, जो स्थानीय भाई? केंद्र वाले तो देते हैं जो देते हैं, लेकिन यहाँ कराने वाला कौन है? राज्य सरकार है। राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि उस काम को पूरा करे। गांव की क्या समस्या है, हम कई बार ये करते हैं, रोड के लिए दे दें तो हम चक्का जाम करेंगे भोर रहते। अब करने से भी क्या होता है भाई, पिछड़े हैं। बसना विधानसभा की बात करें, हाँ, तो कौन नेता लोग जनसंपर्क में है और कौन जीत दिला सकते हैं बीजेपी से या कांग्रेस से? देखो अभी की स्थिति में जो जनसंपर्क का, कांग्रेस की बात तो पूछिए मत। हाँ, मेरे पार्टी से मतलब नहीं है, उसके बारे में पूछिए नहीं है। यहाँ पर कहोगे टोटल से टोटल संपत अग्रवाल जो घर घर जाता है और जो भी समस्या होती है उसके समाधान केवल ही केवल मतलब संपत अग्रवाल करता है। अच्छा, संपत अग्रवाल जी एक नेता है? हाँ, नेता है, क्या है वो जाने को, तो लेकिन हमारे गाँव में संपर्क जो है सामाजिक दृष्टिकोण से या कोई भी कार्य होता है। हाँ, और ये है ना, बाकी जो कहेंगे जो जी, नरेंद्र मोदी इतना प्रोग्रेस किया है और समाज देश के लिए, और कोई शायद पैदा होगा। अच्छा, मेरे नज़र में गांव के लोग मोदी के नाम पर वोट डालेंगे बीजेपी को? हाँ, वो तो आंख मूंद के डालेंगे, जो भी हो एक गधा घोड़ा भी खड़े कर दे, लेकिन मोदी के नाम से। अच्छा, वोट देंगे।